नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिंगरौली में फर्जी डॉक्टर के नाम पर लड़कियों तथा महिलाओं से अवैध संबंध करने वाला आरोपी चढ़ा कोतवाली पुलिस के हत्थे। लगभग एक दर्जन से ज्यादा लड़की महिलाओं के साथ मना चुका है संबंध। कई शादीशुदा लड़कियों के पति को करता था ब्लैकमेल व 1,00,000 रुपए की किया था आरोपी डिमांड। जननी सुरक्षा योजना में कर चुका है आरोपी काम। गाँव में डॉक्टर बनकर घटना को देता था अंजाम। आरोपी सिंगरौली जिले के गागी में चलाता था फर्जी क्लिनिक। मोरवा थाना के चतरी से आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमारे पास चरगुड़ा के एक नौ दंपत की रिपोर्ट पे उन्हें 387, 507 और 67 ITA का मामला दर्ज किया। जैसा घटनाक्रम ये था कि एक माह पहले एक व्यक्ति की शादी होती है तो एक अज्ञात नंबर से उसके पास लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे, SMS आते थे और फ़ोन आते थे जिसपे वो उसकी पत्नी की अश्लील फ़ोटो पब्लिश करने के नाम से अनर्गल मांग करता था, रुपए पैसों की मांग करता था। हमने उस अज्ञात नंबर की तलाश शुरू की तो जहाँ की लड़की रहने वाली थी उसके मायके का ही एक सिरफिरा झोला साहब डॉक्टर था जिसका नाम सुरेश वैश्य है, जो ये हरकत कर रहा था, उसके पास से सिम मोबाइल बरामद कर लिया गया है जिसको वो मात्र इसी उद्देश्य से खरीदा था। उसके मोबाइल की जांच करने पर हमें यह भी प्राप्त हुआ कि वो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लड़कियों से संपर्क करने की कोशिश करता था, उनके फ़ोटो पिक करता था, उनमें एडिटिंग करता था और बाद में उनको अपनी अनर्गल मांगों के लिए ब्लैकमेल करता था। आज आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।